हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर कॉन्सेप्ट्स। दिस इज पुष्पेंद्र सिंह परिहार। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओके, आज हमारा आज का टॉपिक है कि सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आप कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, कोई सा भी, मतलब कोई सा भी, फ्रॉम पटवारी टू यूपीएससी, हमको फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के फैक्ट्स ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा बैकग्राउंड नहीं देखेंगे हम कि हमें क्या क्या, मतलब बैकग्राउंड हमारा रहता है, हम सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देंगे कि डेट्स, ओनली डेट्स हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। सबसे पहले यूरोपियंस भारत में कब आए थे? देखिए, हमको ये तो पता है कि वास्को डी गामा केम फ्रॉम पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल से सबसे पहले वास्को डी गामा आया था इन 1498। तो एक चीज़ आपके माइंड में, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हमारे देश में सबसे पहले वास्को डी गामा ही आया था? नहीं, ऐसा नहीं है। उससे पहले और भी जने आए थे, लेकिन हम क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि सी रूट के थ्रू, ठीक है, कहाँ से, सी रूट के थ्रू अगर हमारे देश में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी हमारे, हम लोग करा करते थे ट्रेड करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया सी रूट के थ्रू, ठीक है। पोर्टुगीज था वो, पुर्तगाल से आया था, ठीक है। पुर्तगाल मतलब जहाँ का कौन प्लेयर है? रोनाल्डो, ठीक है। आई होप अब आपको याद रहेगा। और ये डेट याद रखना, ये ईयर याद रखिएगा, 1498। पोर्टुगीज सबसे पहले 1498 में इंडिया आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाते हैं सब जने। एक तो होता है ये, जैसे कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1498 में हुआ था, ठीक है। और जैसे कि हम लोग बात करें, उसके पास में डच आए, ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रेंच आए, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1602 में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1600 में, ठीक है। तो आप पहले कौन आए? पहले तो आ गए थे डच। डच कौन होते हैं? जो हॉलैंड के होते हैं, ठीक है, वो होते हैं डच। और ब्रिटिशर्स बाद में आए थे, हॉलैंड वाले पहले आ गए थे, उनको बोलते हैं डच, ठीक है ना। तो डच कब आए? डच आ गए थे हमारे यहाँ पर 1602 के अंदर, और ब्रिटिशर्स उनके बाद में है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ब्रिटिशर्स की? वो हुआ था 1600 में, ठीक है। चलो, फिर आगे फ्रेंच आए। फ्रेंच कब आए हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ पर फ्रेंच आए थे 1664 में। ये पांचों जो चीज़ है ना, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछी गई है, पटवारी से लेके यूपीएससी में भी आया हुआ है इनके ईयर्स। ऑल्दो अब यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना आपको कभी देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, आप जो स्टेट पीसीएस में आपको ज़रूर मिल सकते हैं। तो ये डेट किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आई हुई है, तो आप याद करिएगा। एक मैंने ट्रिक बनाई है इसको याद करने के लिए, PDBDF, मतलब ये है कौन पहले आया था, मतलब इंडिया के अंदर यूरोपियन सबसे पहले कौन आए थे। पी स्टैंड फॉर पोर्टुगीज, डी फॉर डच, बी फॉर ब्रिटिशर्स, डी फॉर डैनिश एंड एफ फॉर फ्रेंच, ठीक है। अब अपन को पीडीएफ तो याद ही रहता है, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ, और बीच में लगा देते हैं बीडी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, पीडीएफ और बीच में बीडी। तो सबसे पहले आप याद करिए, PDBDF, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंडिया के अंदर चीज़ हुई थी वो थी कार्नेटिक वॉर। देख, कार्नेटिक वॉर से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये किन किन के बीच लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ये फाइट लड़ी गई थी, ठीक है। तीन कार्नेटिक वॉर्स हुई थी। अब बैकग्राउंड ही हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बस डेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुई थी? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई थी 1746 से लेकर 1748 में, ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 टू 1748। इसके ये जब ख़त्म हुआ तो ट्रीटी ऑफ ऑक्सला चैपल हुई थी, ठीक है। अभी
हम नेक्स्ट जब मॉडर्न हिस्ट्री चालू करेंगे उसमें मैं आपको पूरा डिटेल्ड में सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतने याद रखिए, ठीक है, कि कार्नेटिक वॉर की डेट्स क्या थी, 1746 to 1748, ठीक है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर कब लड़ी गई थी, वो 1749 to 1754। क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? ठीक है, जी हाँ, इनका आपस में रिलेशन है। और क्या सेकेंड का थर्ड से भी रिलेशन है? हाँ, पहले की का कोई रिजल्ट आया, उसी की वजह से दूसरे की लड़ाई हुई, फिर दूसरे के बाद तीसरी हुई, ठीक है। इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो आपने याद कर ली हैं डेट्स, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वापस देखते हैं 1746 से 1748, सेकंड कार्नेटिक वॉर 1748 से लेकर 1749 से लेकर 1754, और थर्ड कार्नेटिक वॉर हमारी लड़ी गई थी 1758 से लेकर 1763 के बीच में, ठीक है। अब इसी ड्यूरेशन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फाइट्स और लड़ी गई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया बोले, हिंदुस्तान बोले, इंडिया डेटे, भारत बोले, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। आप सबसे पहले हम देखेंगे कि एक बैटल ऑफ प्लासी हुई थी नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइफ, कर्नल रॉबर्ट क्लाइफ के साथ में, ठीक है। ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। ये याद रखिएगा, ये एक एक चीज मेरे द्वारा, ये जो स्लाइड है, आज का जो लेक्चर है, इसमें एक एक लाइन किसी ना किसी एग्जाम में आई है, ऐसे ही कुछ भी नहीं है, और वापस आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि RPSC में क्या होता है, चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। या तो UPSC से रिपीट होगा, या अड़ोस पड़ोस के जो PCS के स्टेट्स होते हैं, जैसे कि MPPSC हो गया, UPPSC हो गया, वहाँ से भी चीज़ें कॉपी करी जाती हैं हमारे RPSC के अंदर, ठीक है। तो आप याद करिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में होता है बैटल ऑफ वांडीवॉश। वांडीवॉश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये लड़ाई लड़ी गई थी 1760 के अंदर, प्लासी का 1757 में, वांडीवॉश की 1761 में, ठीक है। फिर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये UPSC में भी आया हुआ है, पटवारी में भी आया हुआ है, ठीक है, रीट में भी आया हुआ है, RS में भी आया हुआ है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं कि ये चीज के बारे में आपसे कभी ना पूछा हो, ठीक है। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ वांडीवॉश 1760, और बैटल ऑफ बक्सर 1764। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर किस किस के बीच में लड़ी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के और मैसूर में कौन करते थे, मतलब निज़ाम थे यहाँ पे, ठीक है। हैदराबाद, निज़ाम, मद्रास, मैसूर, ठीक है। सबसे पहले हम अगर मैसूर की बात करते हैं तो दो नाम हमारे माइंड में क्लिक हो जाने चाहिए, एक तो है हैदर अली, ठीक है, दूसरे हैं हमारे हैदर अली के सन टीपू सुल्तान, ठीक है। ये बहुत ब्रेव वॉरियर्स थे इंडिया के, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो वॉर किसने लड़ी थी? हैदर अली ने लड़ी थी 1767 से लेकर 1769 के बीच में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई? 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुई थी फर्स्ट मैसूर वॉर, ठीक है। और फर्स्ट वॉर के चलते क्या हुआ था? फर्स्ट वॉर के चलते, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करी गई थी कब? 1769 में। जब वार खत्म होगी जबी तो ट्रीटी साइन करी जाएगी, ठीक है। और ये वॉर जीती किसने थी? हैदर अली ने जीत ली थी, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर 1769। रिपीट करिएगा, देखो, द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल हैव ए चांसेस ऑफ सेलेक्शन, ठीक है। फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं, आपसे डेट्स पूछी जाएगी, ठीक है। आपको याद करनी है, जितनी बार आप मेमोराइज़ करेंगे, जितनी बार आप बार बार देखेंगे अपनी आंखों से, रिपीट करेंगे ना, उतनी जल्दी आपको याद होगा, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर 1769, जिसको लेकर ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ 1769 के अंदर, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, फिर वो 1780 से लेकर 1784 तक, ठीक है। ये किस किस ने लड़ी? हैदर अली और टीपू सुल्तान ने।
इस युद्ध में को लेकर फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई 1784 में। देखो कोई भी ट्रीटी होगी ना वो युद्ध ख़त्म होने के बाद ही होगी, तो फिर आप खुद बस टाइम पीरियड याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट में ख़त्म हुई तो ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुई तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और इस जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी उस टाइम पे हैदर अली बीमार हो गए थे और इनकी कैंसर के चल के डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर उस वॉर को कंटिन्यू करा था किसने, टीपू सुल्तान, उनके सन ने, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर हमारी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी वो 1790 से लेकर 1792 तक लगी डी गई, और किसके द्वारा, टीपू सुल्तान के द्वारा, ठीक है, जिसको लेकर ट्रिपी और श्रीरंगपट्टनम हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइंड इन 1792, ठीक है। फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई वो 1792 से लेकर 1799 के बीच में, और फिर टीपू सुल्तान ने ही लड़ी, इस टाइम पर टीपू सुल्तान हार गए थे, ठीक है, और उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत अमेजिंग वॉरियर्स रहे हैं इंडिया के, और ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये सभी वार के बारे में डेट्स पूछी जाती है, टाइम पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि कौन लड़ा था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हमारी अगली आती है एंग्लो मराठा वॉर। देखो एंग्लो मतलब अंग्रेज बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, और फिर मराठा, समझ में आ गया, एंग्लो और मराठा मतलब अंग्रेज और मराठा के बीच में वार हुई थी। तो टोटल कितनी वार हुई थी, तीन एंग्लो मराठा वार हुई थी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई, ठीक है, वो 1775 से 1782 के बीच में हुई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782 के बीच में। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वो कब से लड़ी गई, 1803 से लेकर 1805, ठीक है, 1803 से लेकर 1805 तक सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब लड़ी गई, 1817 से लेकर 1819, ठीक है। थर्ड तीन एंग्लो मराठा वॉर हो गई, फर्स्ट 1775 से लेकर 1782, सेकंड 1803 से लेकर 1805, और थर्ड 1817 से लेकर 1819, ठीक है। इसी टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ाई हुई थी, ठीक है, 1761 के अंदर, किस किस के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। अभी पानीपत मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखो, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया और आगे भी आ सकता है, क्योंकि आरपीएससी की आदत है चीज़ों को रिपीट करना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो बहुत बड़ा टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सिर्फ इतना समझिए कि रिवॉल्ट 1857 क्यों हुआ था। देखो क्या हुआ था कि इन जो फार्मर्स थे हमारे पीजेंट से बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, फिर उन लोगों ने अपने फार्मिंग छोड़ी और वो आर्मी के अंदर जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उनमें सिपाही बन गए थे, ठीक है, उनमें सिपाही बन गए थे, ठीक है, और वो ब्राह्मण थे, मैक्सली कौन थे, हिंदूस थे, जो ये बॉर्न डस्ट वगैरह मतलब बोन एनिपल्स नहीं खाते हैं, मतलब वो मीट का कंजप्शन नहीं करते थे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो उनका उनको आटा दिया जाता था जब वो आर्मी के अंदर थे, तो उस आटे में ना बोन डस्ट मिला दिया गया, ठीक है, एक रीज़न ये है, ठीक है। सेकंड रीज़न, उनके जो राइफल्स बनती थी उसको मुंह से छीनना पड़ता था उन कारतूस को, और वो कारतूस ना चर्बी से बनी होती थी, किसकी चर्बी से, गाय की और सुअर की चर्बी से, ठीक है। तो दो रीज़न तो ये इम्पोर्टेंट हैं, और भी कई सारे रीज़न थे, आप सिर्फ दो रीज़न को नहीं बोल सकते कि सिर्फ दो रीज़न के पीछे से 1857 की हमारी क्रांति हुई थी, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें होती हैं एक साथ टाइम पीरियड पे, तब जाके कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले गोली किसने चलाई थी, 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। सबसे पहले उन्होंने बैरकपुर के अंदर एक अंग्रेज ऑफिसर के ऊपर गोली चलाई, तब हमारे सामने आया रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है।
मेंस में रटने को आता है, ठीक है, आप आरएएस का मेंस देंगे या फिर यूपीएससी का मेंस देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में पूरा कवर करेंगे। आगे चलते हैं, देखो रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें ना जो हमारे एक दो मूवमेंट्स हो गए, और उसको किसने चालू करा था और कौन से ईयर में वो चालू हुए थे, मैं सिर्फ उन ऐसे तो देखा जाए बहुत सारे हैं, ठीक है, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ रखे हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्मो समाज, आप कुछ भी बोल लीजिए, इसकी स्थापना करी किसने करी थी, राजा राम मोहन रॉय ने। कब करी थी, 1828 के अंदर, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 के अंदर। वो किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे, सती प्रथा के लिए, कास्ट सिस्टम के लिए, आइडल वर्कशिप के लिए, ठीक है। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी, प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी केशव चंद्र सेन ने 1863 के अंदर, ठीक है। ब्रह्म समाज बाय राजा राम मोहन राय इन 1828 एंड प्रार्थना समाज वॉज स्टार्टेड बाय केशव चंद्र सेन इन 1863। ये किसके लिए काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे वुमेन्स एजुकेशन के लिए, विडो रीमैरिज के लिए, मैरिज एज रेज के लिए और कास्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे एक और नया इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिन्होंने काम किया था विडो रीमैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए, ठीक है। ये जो आपके सामने राजा राममोहन रॉय हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं, कॉन्स्टेंटली रिपीट हुए हैं। ब्रह्म समाज किसने स्थापना करी, कौन से ईयर में करी, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, इन्होंने क्या क्या काम करे। प्रार्थना समाज के बारे में आपसे पूछा गया है कई बार, ठीक है। फिर सत्यशोधक समाज के बारे में भी पूछा गया, इसकी स्थापना करी थी ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी, ये भी पूछा गया, मतलब हर एक चीज़ पूछी गई है, आप किसी को नहीं छोड़ सकते। आर्य समाज की स्थापना करी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, और इनका नारा था बैक टू वेदास, ठीक है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। रामकृष्ण मूवमेंट, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, रामकृष्ण मूवमेंट की स्थापना किसने करी, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने स्थापना करी थी रामकृष्ण मूवमेंट की। चलिए आगे चलते हैं, नेशनल मूवमेंट्स, देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस नेशनल मूवमेंट को हम टोटल तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है, 1905 से लेकर 1919 तक, और 1919 से लेकर 1947 बोल लीजिए, कई जने 35 तक बोलते हैं, फिर एक और डिवाइड कर देते हैं इन तीन में नेशनल मूवमेंट्स, क्योंकि इसमें हम पहले आईएनसी आ जाता है, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स होते हैं, यानी कि नरम दल और गरम दल, फिर गांधी जी की एंट्री हो जाती है समवेयर इन 1916 1914 के अंदर, वो वापस इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। फिर उन्हीं के द्वारा जो काम होते हैं, और भी कई जने हैं हमारे लीडर्स आते हैं, उनके द्वारा काम होते हैं, तो सबसे पहले हमारे एक तो नरम दल, एक गरम दल, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि जो गरम दल हो गया, गरम दल में लाला लाजपत राय और हमारे लीडर हो गए जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और नरम दल में हो गए हमारे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़े दिनों बाद, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई थी एओ ह्यूम के द्वारा 1885 के अंदर, ठीक है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 के अंदर, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 के अंदर, डेट लीड्स टू बायकॉट मूवमेंट, ठीक है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद में क्या हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 के अंदर, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 के अंदर,
फिर 1907 में क्या हुआ, 1907 के अंदर कांग्रेस स्प्लिट हुआ, कांग्रेस में विभाजन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये दो चीज़ यहाँ पर रह गई थी इसलिए मैंने आपको बता दिए। फिर मॉडले मिंटो रिफॉर्म कब आता है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में, ठीक है। मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 के अंदर आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब लड़ी गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी 1914 से लेकर 1919 तक, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई 1914 से लेकर 1919 के बीच में। फिर चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी की एंट्री हो जाती है चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 में, जिसको हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रॉलेक्ट एक्ट कब आया था, 1919 के अंदर। मॉन्टेक चेम्सफॉर्म रिफॉर्म कब आए थे, 1919 में, ठीक है। मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, मॉन्टेक चेम्सफॉर्म रिफॉर्म आए थे 1919 में। जलियांवाला बाग कांड हुआ था, मस्करे हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 के अंदर, ठीक है। फिर खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट यानी कि, ठीक है, कब आया था, ये आया था 1919 से लेकर 1922 के बीच में। ये सारी डेट्स हैं, देखिए फैक्ट्स हैं, स्टैटिक चीज़ें हैं, इसके लिए कुछ नहीं हो सकता, ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये डेट्स ज़रूर पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी, ठीक है। हिस्ट्री चेंज होने वाली नहीं है, यही रहेगी, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चोरा चोरी इंसिडेंट्स कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये भी पढ़ेंगे। ये हुआ था 1922 के अंदर, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, और ये किसके द्वारा लाई गई थी, ये लाई गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लाई गई थी, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। फिर लाहौर सेशन कब लगा था, लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जिसमें कि पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया गया था और तिरंगा झंडा फहराया गया था, ठीक है। लाहौर सेशन 1909 में, यूपीएससी में भी पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। डांडी मार्च, गांधी जी ने डांडी मार्च करी थी 1930 ने, कहाँ से, अहमदाबाद से लेकर डांडी तक, ठीक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, अहमदाबाद से लेकर डांडी तक, टोटल 240 माइल्स, ठीक है। 240 माइल्स की ये पैदल रास्ता इन्होंने यात्रा करी गांधी जी ने। गांधी जी के साथ में कितने फॉलोवर्स थे, 78 फॉलोवर्स थे प्लस वन गांधी जी, टोटल कितने जने हो गए, 79, ठीक है, डांडी मार्च के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। फिर गांधी इरविन पैक्ट आया, गांधी इरविन पैक्ट कब आया, 1931 के अंदर, गांधी इरविन पैक्ट आया 1931 के अंदर। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई दिसंबर 1931 में, पूना पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में, ठीक है। पूना पैक्ट कब आया गया, सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट कब आया था, सितंबर 1932 में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुई थी, 1939 से लेकर 1935 के बीच में। अगस्त तोफर आया 1940 में। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्वाइट इंडिया मूवमेंट आया था 1942 में। और कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। ये सारी की सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे द्वारा बताए गए इस लेक्चर में हर एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया। देखिए गाइस, अगर आप अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, और जल्द ही हम मॉडर्न हिस्ट्री चालू करेंगे, जिसमें हम आरएएस के लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से कोर्स चालू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।